वो जो तोरण देखा तो ले लिया, पूजा का सामान, पाठ, लक्ष्मी पूजा जो है कल, उसकी भी सब सामग्री ले लेते। भाई कितना था वाला चार्ज कितना तू ने बोल दो ले लेते। वो जो तोरण देखा तो ले लिया, और अभी हार, पूजा का सामान, पाठ, लक्ष्मी पूजा जो है कल, उसकी भी सब सामग्री ले लेते। मार्केट देखा पूरा रश भरा हुआ है, क्योंकि हर कोई एक्साइटिंग है दिवाली के लिए, क्योंकि 2 साल के बाद आज प्रॉपर सभी को दिवाली बनाने के लिए मिल रहा है। सो क्या, क्योंकि 2 साल पहले ये सब जो भी रश वगैरह सब देखा आपने, वो 15 दिन के पहले से चालू हो जाता, लेकिन ये 2 साल की मार की वजह से आज चलो लेट से सही, लेकिन पब्लिक है तो सही, बना रहे दिवाली धमाल। तो अभी सीधा मिलते पूजा का सामान लेने के लिए, क्योंकि रश ब्लॉक करना जम नहीं रहा है, हाथ लग रहा है ये वगैरह, और आपको भी फिर वीडियो क्वालिटी ठीक में अच्छी मिलेगी नहीं, दैट्स राइट। तो सीधा पूजा का सामान लेते हैं। जो तो तोरण तो लेन गए हो, ये पट्टी बोले तो आ जाएगी गए ना, आधा भरेली पट्टी जो ना हुए तो कही है एक सारी निकालना है। अभी भरेली नहीं थी, अभी कहीं पट्टी अभी भरेली नहीं थी। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है कुछ, शुभ लाभ नहीं लिखा हुआ। काटी देना सारी काटे। तो फिलहाल हार ले लिया, लक्ष्मी पूजन का सामान ले लिया, सब कुछ ले लिया, सिर्फ स्पीकर ये वगैरह सब बाकी था लेने के लिए, अभी वो ले रहे। फुल मार्केट एकदम याऊ चल रहा है, और वैरायटी भी एक से एक है। अभी भावताल करते क्या है, ये कुछ डिजाइन है, इसे नॉर्मल भी लगा सकते हैं, लेकिन ये कुछ फैंसी दिख रहा है। तो और ये एक 10 वाला, ये 10 वाला है, और ये कुछ 80 बोल रहा है, लेकिन 50 तक दे देते, थोड़ा फैंसी भी लग रहा है। क्या बोलते हैं, ये ले लेते हैं। हार फूल ये वगैरह सब ले लिया, और एक स्पेशल चीज़ थी, एक उत्तन करके कुछ था। अभी मैं एक्चुअली मालूम है उस वक्त, लेकिन ये भी नहीं मालूम उत्तन से कुछ नहाने का रहता, क्योंकि आज काली चौदस है। ओके, तो जो काली चौदस को जो बाहर सब पे गिरता है, तो कल दिवाली के दिन मॉर्निंग में वो उत्तन डाल के सब लोग नहाते उससे, तो उसे क्या हम लोग पवित्र हो जाते, ऐसा कुछ है।
एक लिया, मैं दिखा दूँ मैं आपको। उत्तन बोलते हैं, उत्तन जो पानी में डालते थोड़ा सुगंध देता है कुछ फ्लेवर वाइज। हिंदू में सब नहाते लेकिन मुझे नहीं मालूम था, आज मालूम गिरा तो फिर हम भी नहा लेते और पवित्र और फ्रेश हो जाते। ओके, तो बने रहिए मॉक्स ब्लॉग में। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, घर पे जाके डिज़ाइन बनाना है और पूजा की तैयारी है वगैरह सब, कल का जो भी है। अभी हार आ गया, सब कुछ आ गया, अब सिर्फ फूल और हार फूल भी ले लिया। ओके, सिर्फ मिठाई बाकी है और मिठाई बाकी तो भी फिलहाल सामान वामान सब हो गया, सब खिला बाकी था वो दीवार में ठोकने के लिए, वो भी ले लिया। अभी जस्ट करके नीचे हूँ मैं और एक दो वैरायटी और बाकी है। तो ये ब्लॉग आज यहाँ तक रखते और कंटिन्यू कल से वापस करेंगे, तो पूरा ब्लॉग एक साथ में ही आएगा, आज का और कल का पूजा का, तो दोनों साथ में ही एक साथ करेंगे। ओके, तो सीधा अभी कल मिलते मॉक्स ब्लॉग। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो फिर से एक बार मॉक्स ब्लॉग में आपका स्वागत है। बस आज दिवाली है तो सब पूजा की तैयारी है वह सब कर लिया, लक्ष्मी पूजा ऑलमोस्ट रेडी कर चुका हूँ सब कुछ, तो दिखाता हूँ। लेकिन पहले थोड़ा बाहर का नज़ारा दिखते हैं, सुपारे में दिवाली कैसे बन गई। पीछे ये सब साइड पे देखो पटाखे फूट। और आप सभी को हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर फॉर एडवांस। हो चुकी है, नीचे जाएगी, पटाखे फोड़ेंगे और खाना बना खाएंगे। डेकोरेशन किया था हम लोग ने, अभी जाएंगे हम लोग सीधा खाना खाने के लिए और पटाखे फोड़ेंगे। तो बने रहिए मॉक्स ब्लॉग के साथ। पटाखे फोड़ रहे कृषा और जय भी एंजॉय कर रहे हैं, फुल धमाल धमाल दिवाली नारा सुपर। आप भी एंजॉय कीजिए, छोड़िए निकले घर से बाहर और हैप्पी दिवाली बनाइए। लाइन थी मुख्य जो कान बंद कर। तो फटाके फोड़ लिए, अभी जा रहे खाना खाने के लिए। एक्चुअली खाना खाएंगे नहीं, पार्सल लेंगे फिर आराम से खाएंगे, क्योंकि फटाके फोड़ फोड़ के अभी भूख लग गई है, तो कुछ तो पेट पूजा होना चाहिए। देखते कुछ चटर पटर, कुछ एक ट्रेजेडी हो गया, खाने का ऑर्डर तो दे दिया लेकिन एटीएम से पैसा निकालना भूल गए। तो बस अभी एटीएम जा रहे पैसा निकालने के लिए, फिर वापस खाना लेने के लिए जाएंगे। यही दिल्ली का रूट है अपना। तो भाई आप लोगों की दिवाली कैसी बन रही है, धमाल नहीं?
शॉप से बस खाना हो मिल गया पार्सल। बहुत टाइम लगा, कम से कम 1-1.5 घंटा बैठना पड़ा। दिवाली का टाइम है तो आज सब पब्लिक, घर का कम बाहर का ज़्यादा। मिल तो गया, अभी घर पे पहुँचेंगे, खाएंगे और जो पटाखे बचे उसको वापस फोड़ेंगे, बस यही। तो चलो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। तो दिल की सुनो, दिल से दर्द को निकालो और कुछ करके देखो। मोक्ष।